Hey guys, assalamu alaikum, this is Meena Dahan and welcome back to my YouTube channel. So guys, अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो फर्स्ट आप लोग कर लें मेरा चैनल सब्सक्राइब। तो आज है सैटरडे, तो अभी अभी मैं वापस नहीं हूँ कॉलेज से, तो मैंने सोचा व्लॉग न्यू स्टार्ट करूँ। तो आप लोगों को बोल दें कि जैनब के लिए तक के पास सैश नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि मेरे पास सैश है या नहीं। मेरे पास देख लें डिसिप्लिन प्रॉक्टर की सैश है, मुझे भी मिली हुई थी, मेरे पैन ही नहीं है। जैनब भी जरा ना, ये बार बार कहती किसके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज देखते हैं कि है या नहीं। ओरिजिनल ये समझती होगी कि मैं किसी ले आई या कुछ। आओ देखो, देखें जी दोनों के पास स्टैश बता रही हूँ। हम दोनों के पास स्टैशेज हैं अपनी अपनी। हमारे घर में आपको बताऊँ तीन डिसिप्लिन प्रॉक्टर हैं, मीन्स के मैं भी, जैनब भी और फाती भी, हम तीनों डिसिप्लिन प्रॉक्टर हैं। हमें बहुत डिसिप्लिन है, देखें कानों में इयर रिंग्स पड़े हुए हैं, बालियाँ पड़ी हुई हैं थोड़ी थोड़ी। ओके देखिए मेरे की हैं, हम लोग ये भी डाउट हैं, ये भी अलाउ नहीं, हम लोग नहीं पहनते। और मैंने इतनी मुश्किल, मुझे इतनी छिलक दी है पोनीज, छोटी छोटी मैंने मंगवाई हैं और इन लोगों ने बोला है कि ये नहीं डाउट है। मेरा इतना दिन रफा हुआ, देखिए मैंने ये मंगवाई है। चले कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। और मेरे इन बालों पीछे लोग बहुत पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूँ। मैंने बोला मैं स्टॉलर करके आऊँगी, मैं क्या करूँ। चले जी करते हैं यूनिफॉर्म चाहिए, फिर नमाज पढ़नी है, खाना खाना है, फिर साथ साथ आपको बताती हूँ। और आज सैटरडे और सैटरडे वाले दिन और काम निकल आते हैं। मैं आई हूँ घर में, ना मुझे किस, हमारा घर पे है वो भी खुला हुआ था, ना मुझे पता है मेरी बहनें किधर हैं, ना कुछ और को आवाज़ें दे देंगे। कोई बोल घर में सन्नाटा है भाई। कोई भी नहीं है तो फिर ये क्यों, हमारे घर में कोई भी नहीं है और दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था, मीन्स के उसको लॉक नहीं किया हुआ था, वैसे बंद था। तो ये क्या ड्रामे इन लोगों के। रखती हूँ मैं बैग अपने अंदर, जाती हूँ रूम में, फिर नमाज पढ़नी है। मैं आपको बताऊँ, मेरे भाई जो है ये लाया है चूरन, 10 रुपये का पैकेट है। और देखिए कितना छोटा सा और कितना पतला सा है ये पैकेट, 10 रुपये का पैकेट है और इसमें इतनी कुछ तो चूरन डली हुई है। कितने लोग, क्या चीज़ें हैं, मतलब सारे लोग इतनी कुछ पैकेट में। तो गाइस मैं बनाने वाली हूँ कुछ टिकटॉक की वीडियोस अपने इस साथ, और ये तो बेचारा हिल हिल के इसका देखें। तो अभी टाइम हो गया है 4 होने वाले, अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया, मतलब मेरा भाई जो है वो खा चुका है, वो अकेडमी चला गया है और बाकी हम लोग हैं। तो अभी हम लोग खाएँगे खाना, मेरी बहन बना रही है, अभी हम लोग खाएँगे खाना। खाना खाने के बाद फिर नमाज पढ़ूँगी थोड़ा थोड़ा, और जो काम है वो करेंगी। और हफ्ते भर दिन जो दो काम होते हैं वो तो परमानेंट होते ही होते हैं। मेरी मम्मा कहती हैं कुछ भी हो जाए वो दो काम करने हैं, तो वो भी करने हैं। तो देखते हैं जैनब क्या करें, मुझे बिल्कुल नहीं पता वो क्या कर रही है। अभी मैं जाती हूँ रूम में और देखती हूँ वो क्या कर रही है। सबसे पहले लाइट मोबाइल यूज़ नहीं करती, बिल्कुल कम यूज़ करती हूँ, बिल्कुल कम मोबाइल यूज़ करती हूँ। हम लोग को जो बैग की आवाज़ आ रही होगी ना, कि वो जो है ना यहाँ पे दरख्त वगैरह काट रही है ना, तो उसकी आवाज़। कल भी मैं आई हूँ छत पे और मेरी जो बहनें हैं दो अदद, वो कर रही हैं छत को साफ सुथरा, और मेरे जो काम थे वो मैंने कर दिए। मैंने बोला मैं हो गई थक गई हूँ, अभी आप लोग अपना काम करें। वो दोनों लगी हुई हैं छत साफ़ कर रही हैं। छत में नमक को साफ़ कर ही दिया था लेकिन हल्का फुल्का फिर गंद बन गया था। मैं आपको दिखाती हूँ अपने चूज़े, वो इधर आए तो मैं आपको दिखाऊँ ना चूज़े, वो आ ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँ। मैं वापस आ गई हूँ इधर, उधर मेरी बहन सफाई कर रही है, तो मैं इधर वापस आ गई हूँ। जैनब को बुलाते हैं, उससे बातें करते हैं। मैम प्लीज़ एक पिक दे दें, मैम प्लीज़ एक, मैम प्लीज़ एक पिक, आपने अपॉइंटमेंट ली, एक पिक दे दें, आपने अपॉइंटमेंट ली थी आज से पहले, मुझे पता, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ एक पिक। ओके मैम प्लीज़ एक पिक।